वो झूठों के सरदार है, कभी गरीबों का पक्ष नहीं लेते। कांग्रेस को गालियां दिए बगैर उनको खाना ही नहीं पचता नरेंद्र मोदी को। अरे जिस जगह मुसलमान का एक वोट भी नहीं है वहां भी जाके हिंदू मुसलमान बोलते। ऐसा अगर प्रधानमंत्री और 5 साल रहेगा देश का पूरा बर्बाद करके जाएगा। विकास कभी नहीं किया, सबका सत्यानाश किया। और कोविड में जो लोग इंजेक्शन्स लिए आज फिर परेशान है। हमने हुकूमत की इस देश में 55 साल, क्या किसी का मंगलसूत्र हमने छीना? ये मोदी की गारंटी। अरे भाई तेरी गारंटी लेके क्या करना। अरे हमेशा गरीबों के बच्चे ज्यादा ही होते हैं। अब मेरे को 5 बच्चे हैं, दूसरों का मालूम नहीं मुझे। मोदी जी आप जिंदा जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है, वो कांग्रेस के वजह से है। मोदी जी और उनके चेले बार बार कहते हैं कि हमको 400 पार आंकड़े दे दो। कई के लिए उनके लोग हर जगह बात करते हैं। इस बार अगर हम आपको हमको 2/3 मेजॉरिटी अगर आप देंगे, हम संविधान बदल के दिखाएंगे। ये बहुत से लोगों ने बार बार कहा, इस बार भी वही बात कर रहे हैं। परसों आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने यह कहा कि हम संविधान बदलने वाले नहीं है, रिजर्वेशन खत्म करने वाले नहीं है, यह ऐसा ही चलते रहेगा। उन्होंने कहा, क्यों कहा? अगर आप बदलने की बात किसी जगह नहीं करते तो ये बात नहीं आती थी। ये बात हो रही इसलिए कि आपके एमपी लोग बात कर रहे, आपके एमएलए लोग बात कर रहे, आपके साधु संत तुम्हारे पीछे जो है वो बात कर रहे। सबसे ज्यादा हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है, जो नाम ही जल्दी आता है, नरेंद्र मोदी जी, वो बार बार कहते हैं, कौन कहता है संविधान बदल रहा है? भाई तुम्हारे लोग ही कह रहे हैं, क्या वो मालूम नहीं होता तुमको? जब तुम्हारे लोग जोर जोर से बोलते हैं वो भी सुने नहीं आता। मैं कहूंगा ठीक है कि आप उनकी बात नहीं समझ, कम से कम गरीबों की बात तो सुनो। इतनी महंगाई बढ़ रही है, आप सुन रहे हैं उनकी बात को? अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं? झूठ बोलते हैं? नहीं, आप बोले झूठ बोलते हैं तो एक झूठ हो गया। उन्होंने ये भी कहा, मेरे युवाओं, युवकों, तुमको हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देनी थी, दिया उनने? नहीं दिया? वो भी नहीं मिला? भूपेश बघेल साहब आप कुछ गड़बड़ कर ली, उन्होंने दिया है तुम नहीं दिए। मैं पूछ रहा हूं ना, वो खामोश है तो मैं क्या करूं? तो ये नहीं दिया। किसानों के लिए उन्होंने कहा, मैं आपकी आमदनी दुगनी करूंगा। कहा कि नहीं? फिर आपको दुगनी हो गई आमदनी? नहीं। ये भी मोदी झूठ बोले। मोदी जी ये बोले, मैं जापान से पैसे लाके 1 लाख रुपए से एक बुलेट ट्रेन करूंगा। कहां पर? अहमदाबाद से लेकर बंबई तक। वो भी नहीं किया। ये भी झूठ है ना? ये झूठ है। कितने झूठ बोलते हो? झूठ पे झूठ बोलते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं, मेरे दोस्तों, वो झूठों के सरदार है। वो झूठों के सरदार है, कभी गरीबों का पक्ष नहीं लेते, सिर्फ बात करते हैं। और हमारे को सुबह उठ के शाम तक
गालियां देने का है कि कांग्रेस को गालियां दिए बगैर उनको खाना ही नहीं पचता नरेंद्र मोदी को, सोनिया गांधी को गालियां देना, राहुल जी को गालियां देना, प्रियंका को भी आजकल गालियां दे रहे, मुझे भी कभी कभी देते रहते हैं। और हमारे जो प्रश्न है उन प्रश्नों का जवाब उन्होंने कभी नहीं दिया, सिर्फ लोगों को बहकाना, लोगों को कुछ कहना। अब बात आई तो हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, अरे जिस जगह मुसलमान का एक वोट भी नहीं है वहां भी जाके हिंदू मुसलमान बोल रहे, ये मोदी जी का खेल है। यहां तक कहा कांग्रेस वाले तुम्हारे मंगलसूत्र को भी नहीं छोड़ेंगे, कहा या नहीं कहा? ऐसा अगर प्रधानमंत्री और 5 साल रहेगा देश का पूरा बर्बाद करके जाएगा। और हमेशा यही कहता है मोदी कि भाइयों मैं तो सबका साथ सबका विकास, लेकिन मैं तो कहता हूं सबका साथ तो लेता है, विकास कभी नहीं किया, सबका सत्यानाश किया। क्योंकि नोटबंदी किया, कोविड में किसको मदद नहीं किया, और कोविड में जो लोग इंजेक्शंस लिए आज फिर परेशान है, वो लेबोरेटरी वाले रिपोर्ट दे रहे हैं कि हार्ट अटैक ज्यादा हिंदुस्तान में इसलिए हो रहे हैं कि उस औषध में डिफेक्ट है, इसका कोई उनके पास जवाब नहीं है। और बार बार यही कहते ये मोदी ने कोविड के साथ सब लोगों को बचाया, नहीं भाई कोविड के वक्त भी लूटे, बाकी के वक्त भी लूटे, अभी भी लूटते रह रहे हो। हमने हुकूमत की इस देश में 55 साल, क्या किसी का मंगलसूत्र हमने छीना? क्या किसी के जबरदस्ती टैक्स लगा के ईडी और इनकम टैक्स को उपयोग करके लोगों को जेलों में डाला? तो भाई वो बीजेपी का अगर आपके पास आए घर घर, घर घर तो आते नहीं, उनके पास बैठे जगह बटन होता है दबाते रहते हैं, जब आएंगे तो पूछो जो काम हम 55 साल में गरीबों के लिए किए थे आप क्या किए थे मुझे बोलो। और हर जगह जाते हैं वो अकेले बात करते हैं और किसी को अपने ही पार्टी के लोगों को साथ नहीं रखते हो। और क्या कहते हैं हर जगह ये मोदी की गारंटी, अरे भाई तेरी गारंटी लेके क्या करना, तेरे पार्टी की गारंटी, तेरी सरकार की गारंटी हमको होना चाहिए, जैसा हम कांग्रेस की गारंटी बोलते हैं। मोदी की एक गारंटी है कि जो वो कहते हैं वो नहीं करते, ये एक ही गारंटी पक्की है। मोदी साहब बहुत अब छटपटा रहे क्योंकि 2 इलेक्शन होने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पैर के नीचे जो जमीन है वो खिसक रही है। तो जब खिसक रही आदमी चिड़चिड़ा होता है, कभी हमको गालियां देता है, कभी मंगलसूत्र पे बोलता है, कभी मुगलों पे बोलता है, कभी मुसलमानों पे बोलता है, कभी मटन चिकन इस पे भी बोलता है, बोलता या नहीं? तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से कंपेयर करते ऐसे लोगों को, इंदिरा गांधी जी से कंपेयर करते, लाल बहादुर शास्त्री से कंपेयर करते, राजीव गांधी जी से कंपेयर करते, अरे उनके मुकाबले में तुम कुछ भी नहीं हो, क्यों इतना बकते हो? उन्होंने देश के लिए तो ये कर दिया, बड़े बड़े कारखाने कर दिए, स्टील फैक्ट्रियां निकाले, कोयले की खान खोदवाए, डैम बनवाए,
पब्लिक सेक्टर्स बना के उन्होंने दिया। तुम क्या बनाए भाई, तुम एक ही मोदी मोदी मोदी। और हाँ करेक्ट, तुम बोले ये जुमले हैं उनके पास, ये जुमले। लेकिन जुमले को लेकर अगर आप चलेंगे आपका पेट भी नहीं भरेगा, सर भी खराब हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों मैं यही बोल रहा हूं, उनका अब क्या हो गया है कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, हम मेजॉरिटी में आ रहे हैं, इसीलिए वो हमेशा मंगलसूत्र की, मुसलमानों की और ये सब आपके पास छीन लेके उनको दे रहे हैं। जिसके बच्चे ज्यादा है उनको, अरे हमेशा गरीबों के बच्चे ज्यादा ही होते हैं, सिर्फ मुसलमानों के होते हैं। अब मेरे को 5 बच्चे हैं, दूसरों का मालूम नहीं मुझे। ये तो ये रिसेंटली है, इधर इधर की बात है। लेकिन आजादी के वक्त भी ये लोग कहीं भी दिखते नहीं थे, ये सब गपचुप ब्रिटिशरों का काम करते थे, नौकरी करते थे। कोई इनके घर में कोई एक साधारण व्यक्ति भी देश के लिए मरा नहीं। ये बड़े बड़े बात करते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। अरे अगर हम देश को आजादी नहीं दिलाते, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अगर इस देश में डेमोक्रेसी को कायम नहीं रखते, बाबा साहब अंबेडकर अगर देश के लिए अच्छी संविधान नहीं बनाते, तुम कहां रहते थे? मोदी जी आप जिंदा जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है, वो कांग्रेस के वजह से है, क्योंकि हमने इस प्रजातंत्र को बचाया, संविधान को बचाया, गरीब लोगों की मदद की। इस देश में एक दाना नहीं रहता था, अमेरिका से ला के खिलाते थे। लेकिन अब हरी क्रांति हो के सब लोग आज पेट भर के खाना खा रहे हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन, सफेद रेवोल्यूशन ला के सबको दूध दे रहे। ये काम हम तुमको जिंदा रखने के लिए किया। और चाय भी बनती है, दूध के बगैर बनती नहीं, अच्छी चाय नहीं होती। और मैं एक मजदूर का बेटा हूं, अगर मैं भी अगर तंदुरुस्त रहना तो मेरा बाप भी दूध ही पिलाता था, कभी बकरी का दूध कभी गाय का दूध पिलाता था। तो ये देश को बनाने वाले ऐसा बनाए, लेकिन ये तोड़ने वाले लोग हर बुरी बात बोल के तोड़ते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं।